नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज बात करेंगे तुलसी के चमत्कारिक प्रयोगों की। बहुत बार आपने अपनी दादी को, नानी को या फिर अपनी माताजी को कहते हुए सुना होगा कि तुलसी के सेवन से रोगों का नाश होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। तो तुलसी के कौन से ऐसे चमत्कारिक प्रयोग हैं जो आपके परिवार से दरिद्रता के नाश के साथ साथ आपके परिवार को एकदम से बना देंगे स्वस्थ। चर्चा होगी आज दैनिक राशिफल की, लेकिन आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आपका आज जन्मदिन है तो आप संपूर्ण वर्ष किस तरीके से उपाय करेंगे, कैसा ये वर्ष आपका बीतेगा, कौन सा दान करना है और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर को लेकर यदि आप चिंतित हैं तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है क्या करने हैं जबरदस्त उपाय, वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। माताओं बहनों की सेहत में आज हम बताएंगे यदि स्वेलिंग की, सूजन की समस्या से वो परेशान है तो वो कैसे दूर हो सकती है। रसोई घर का एक चमत्कारिक उपाय, छोटी सी सामग्री आपके मंदे हुए व्यापार को एकदम से दौड़ाएगा, एकदम से तेज करेगा। तो तमाम आपको ये जानकारी देंगे ज्योतिष गुरु। लेकिन शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम ह्रीं नमः। यह मंत्र आज के दिन 27 बार जाप करने से आपके रुके हुए कार्य बन सकते हैं या फिर बहुत जल्दी पूरे होने लगेंगे। तो इस मंत्र को आज जरूर जपिए। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। आज का पंचांग दिनांक 4 अगस्त 2022, दिन बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र होगा चित्रा, चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय नोट करिए आप, दोपहर में 1:30 से 3 बजे के मध्य। इस दौरान कोई नया कार्य आप शुरू बिल्कुल ना करें। दिशाशूल होगा आज दक्षिण दिशा, यानी आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ आप यात्रा ना करिएगा, आपको कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं तुलसी के पौधे का महत्व क्या है, क्यों इसे इतना पूजनीय माना गया है और क्या इसकी महिमा है, आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे प्राचीन ग्रंथों में तुलसी की महिमा का बखूबी वर्णन किया गया है। आप जानते भी हैं तुलसी के पौधे में चमत्कारिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। कोई भी पूजा पाठ तुलसी के बिना बिल्कुल अधूरा रहता है, आप ये सभी लोग जानते हैं। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे एक दिया जलाने से, आरती करने से सती वृंदा की विशेष कृपा आप पर हो जाती है। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो आपको भी करनी चाहिए तुलसी की विशेष पूजा अर्चना। कैसे ये तुलसी आपको स्वस्थ बनाएगी ये भी आपको बता दूंगा, लेकिन एक बात जान लीजिए, वृंदा की भक्ति और भगवान विष्णु के प्रति उनके अनन्य भक्ति भाव से तुलसी की सुगंध उसके पत्तों में आ गई है। आपने कई बार तुलसी के पत्र तोड़े भी होंगे, आपने देखा होगा कि आपके हाथ में सुगंध आ जाती है, तो ये वही सुगंध है। तुलसी की छाया में किया गया श्राद्ध पितरों के लिए तृप्ति कारक माना गया है। बहुत महत्वपूर्ण होता है यदि आप अपने पितरों के निमित्त कोई पूजा अर्चना करें और वह पूजा अर्चना तुलसी के पौधे के समीप करें यानी उसके पास करें, तो अद्भुत आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होती है। पंचामृत जब आप बनाते हैं, देवों का प्रसाद बनाते हैं, तो तुलसी के बिना यह बिल्कुल अधूरा रहता है, बिना नहीं, इस तुलसी के बिना यह नहीं बन पाता। तो तुलसी बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे आपके घर से दरिद्रता का नाश करेगी, कैसे आपके परिवार के लोग स्वस्थ होंगे, आपको बताएंगे। बात होगी उनकी जिनका आज जन्मदिन है, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, वाहन की प्राप्ति होगी, व्यापार में निवेश बहुत सोचकर करें, नए काम से फायदा होगा, शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। वृषभ राशि, व्यापार में निवेश से लाभ होगा, रिश्तों में सावधानी बरतें, किसी से झगड़िएगा नहीं, शुभ रंग है आपके लिए सफेद। मिथुन राशि,
बड़े बुजुर्गों का आज आशीर्वाद मिलेगा, परिवार में खुशी भी आएगी। घर की विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान दें। शुभ रंग है आज के लिए हरा। अब आपको बताते हैं यह तुलसी का पौधा कैसे आपके घर से दरिद्रता का नाश करेगा। भाई तुलसी में बहुत सारे चमत्कारिक गुण हैं, औषधीय गुण हैं, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये भी समझ लेते हैं जरा। देखिए तुलसी के पौधे को हमेशा अपने घर की पूर्व दिशा में आपको रखना चाहिए। शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाएं। दिए को हमेशा हो सके यदि संभव हो तो हल्दी से एक स्वस्तिक बनाएं, उसी पर आप दिए को रखिएगा। गुलाब की अगरबत्ती हो, धूपबत्ती हो तो ये आप जरूर जलाएं, और 11 बार आपको निम्न जो है मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। सौभाग्यम संतति देवी धनम धान्यम चे मे सदा, आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिय। जो माधव को प्रिय हैं वो आपको आरोग्य प्रदान करेंगे, आपके शोक का शमन यानी कि आपके शोक को खत्म कर देंगे, आपके रोगों को खत्म कर देंगे, क्योंकि माधव को यानी कि ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को ये बेहद प्रिय हैं। हमेशा शुद्ध वस्त्र पहनकर सात्विक होकर ही आप तुलसी की पूजा अर्चना करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मान के चलिए आपको विशेष लाभ नहीं होगा। अपनी गरीबी के नाश के लिए, दरिद्रता के नाश के लिए भगवान विष्णु और देवी तुलसी से आपको प्रार्थना अवश्य करनी है। तो छोटा सा उपाय आपके घर में धन धान्य की वृद्धि करेगा, दरिद्रता का नाश करेगा, इसको आज ही जरूर करिएगा। आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, नौकरी व्यापार की दिक्कत खत्म होगी, किसी वाद विवाद में ना पड़े तो बेहतर है। घर में मांगलिक उत्सव अवश्य होगा। शुभ रंग है आज के लिए कत्थई। सिंह राशि, गुस्से के कारण नुकसान हो सकता है, अपना वाहन आज किसी को ना दें, रात को देर तक ना जागें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। कन्या राशि, अपना भेद किसी को ना बताएं, बहन की तरफ से आज आपको उपहार मिलेगा, रिश्तों का सम्मान करें। शुभ रंग होगा जामुनी। अक्सर आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं, बच्चे बीमार हो जाते हैं और आप दवाओं का सेवन करने लगते हैं। भाई तुलसी का पौधा है ना, आपको दवाओं के सेवन की बहुत कम आवश्यकता होगी। तुलसी का पौधा कैसे आपके रोगों का नाश करेगा, कैसे आपको अपना आशीर्वाद देगा यह भी समझ लेते हैं। देखिए यदि परिवार के छोटे छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर होती है, इन्हें कफ कोल्ड जल्दी हो जाता है, तो उन्हें सुबह के समय एक तुलसी का पत्ता जल के साथ जरूर सेवन कराएं, या उसे उबालकर भी आप उसका सेवन उन्हें करा सकते हैं। यदि आपको खांसी जुकाम बुखार है तो आप तुलसी के पत्तों को उबालकर जरूर पिए, ऐसा करने से आपको आराम भी मिलेगा। हमेशा तुलसी को वात पित्त और कफ नाशक माना गया है, इसके सेवन से बड़ी से बड़ी बीमारी में आपको आराम मिलता है, तो तुलसी का सेवन भाई जरूर करिएगा। लेकिन आपको बता दूं, स्नान के जल में यदि तुलसी डालकर आप स्नान करते हैं तो शारीरिक रोगों में कमी आती है, आपके शारीरिक रोग खत्म होने लगते हैं। तो शरीर को यदि स्वस्थ करना चाहते हैं तो तुलसी का अपने घर में प्रयोग करना आरंभ कर दीजिए। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी को शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि तुलसी के अंदर मरकरी होता है, पारा होता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। तुलसी के सेवन से कैंसर जैसे असाध्य रोग भी धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक होने लगता है, फर्क देखते हैं हम पेशेंट के अंदर। तो तुलसी का सेवन इतना ज्यादा जब चमत्कारिक है, तुलसी का पूजन भी इतना ज्यादा चमत्कारिक है, तो आप तुलसी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और तुलसी का पौधा अपने आंगन में, अपने घर की छत पर आप अवश्य लगाएं। तो बात आज करेंगे उनकी, विशेष तौर पर जिनका आज जन्मदिन है, क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना, संपूर्ण वर्ष उनका कैसे बीतने वाला है, इस पर आपको समस्त जानकारी देंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि,
नया मकान खरीदने का योग है। संतान पक्ष की चिंता खत्म होगी, परिवार में खुशी आएगी। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा का योग बनेगा, नौकरी में सफल भी होंगे। अपने गुस्से पर, क्रोध पर काबू रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। बात कर लेते हैं धनु राशि की। मन की चिंताएं आज खत्म होंगी। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर, शिक्षा पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। धन खर्च पहले से थोड़ा सा बढ़ सकता है। शुभ रंग है आपके लिए सुनहरी। मित्रों, अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिवस की ढेरों शुभकामना। ईश्वर आपको हर तरीके से उन्नति दे, तरक्की दे, ऐसा ज्योतिष गुरु आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो यह वर्ष कैसा बीतने वाला है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। जिन लोगों का आज जन्मदिवस है, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के तौर पर आपको वर्ष के मध्य में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। लापरवाही अपने स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल नहीं करनी। इस वर्ष करियर में कोई आप बदलाव ना करिएगा तो आपके लिए विशेष परिणाम शुभदायी होंगे। इस वर्ष रुका हुआ धन सितंबर के महीने के मध्य के बाद से आपको जरूर मिलना आरंभ हो जाएगा। धन, स्वास्थ्य और करियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए भगवान गणेश और देवी सरस्वती के किसी भी स्तोत्र का, मंत्र जाप का, आरती आपको जरूर करनी है। पूजा अर्चना करना आरंभ कर दीजिए। इस वर्ष जरूरतमंद लोगों को गेहूं और वस्त्र का दान जरूर करिएगा। ऐसा करने से आपका संपूर्ण वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। आइए जान लेते हैं मकर कुंभ मीनी राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, घर से कलह कलेश खत्म होगा। परिवार की सलाह जरूर लें, अपनी पत्नी का सम्मान करें। शुभ रंग होगा नीला। कुंभ राशि, उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार की समस्या पहले से कम होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। मीन राशि, बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। आज वाहन खरीदने का योग दिख रहा है। संबंधों में मिठास आएगी। शुभ रंग है आपके लिए पीला। अब बात करते हैं सफलता के अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपको सफलता जरूर मिलती है। तो आज सफलता के अचूक महा उपाय को आप जरूर नोट करें। एक चौकोर भोजपत्र लें, केसर से उस पर आप ओम लिखें और अपने पर्स में या पॉकेट में रखें। अपने कार्य के लिए जाएं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनको सूजन की, स्वेलिंग की समस्या हो गई है और बहुत वो परेशान है, तो भाई चौथाई चम्मच मेथी दाना पीसकर गुनगुने पानी से आप सेवन करना आरंभ करें। आपको धीरे धीरे फायदा होने लगेगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, आज के दिन से आप भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर अर्पित करना आरंभ करें। आप स्वस्थ भी रहेंगी और आपका मान सम्मान हर जगह बरकरार बिल्कुल रहेगा। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद मंदा चलने वाला व्यापार, स्लो जो आपका प्रोग्रेस हो गई है, वो एकदम से कैसे तेज होगी ये भी समझते हैं। देखिए, रसोई घर से आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हल्दी। हल्दी पीसकर आप उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और अपने व्यापारिक स्थल पर लेफ्ट और राइट दोनों ओर श्रीम लिख दें। मंदे व्यापार में भी देखेंगे कि तेजी आने लगी है, तो आज ही के दिन इस उपाय को जरूर करके देखिए। ज्योतिष गुरु से अपनी बात साझा भी करिएगा, हर तरीके से आपको फायदा होगा। तो आज हम चर्चा कर रहे थे तुलसी के चमत्कारिक प्रयोगों की, कि कैसे ये तुलसी आपके रोगों के नाश के साथ साथ आपके घर की दरिद्रता का शमन करेगी। तो तमाम आपको हमने जानकारी दी। बात करी हमने उनकी जिनका आज जन्मदिन है, उनको फिर से ढेरों शुभकामना।
फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु फिर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।